गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज किसने की थी? हमें जो इतिहास पढ़ाया गया है वो ध्यान में रखे तो इस सवाल का जवाब आएगा आइज़ैक न्यूटन। लेकिन ये जवाब गलत है। सच्चाई ये है कि न्यूटन से 1200 साल पहले ही लॉ ऑफ ग्रेविटी की खोज एक भारतीय ने की थी, जिनका नाम था भास्कराचार्य। भास्कराचार्य प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोलशास्त्री थे। आज के गणित और विज्ञान के विषय में उनका योगदान अमूल्य है। जब इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ लिखा था तब वे मात्र 36 वर्ष के थे। सिद्धांत शिरोमणि एक विशाल ग्रंथ है। उन्होंने इस ग्रंथ की रचना 4 खंडों में की थी, लीलावती, बीजगणित, गोलाध्याय और गृहगणित। लीलावती ग्रंथ गणित और ज्योतिष विषय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। लीलावती में अंकगणित पर, बीजगणित में बीजगणित पर, गोलाध्याय में खगोल पर और ग्रह गणित में ग्रहों की गति पर चर्चा की गई है। सिद्धांत शिरोमणि के अतिरिक्त भास्कराचार्य ने एक और ग्रंथ कर्ण कुतूहल की रचना की थी, जिसमें पंचांग बनाने की विधियों पर चर्चा की गई है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि जब चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है तो सूर्य ग्रहण तथा जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है तो चंद्र ग्रहण होता है। और ये लिखित सबूत काफी है ये साबित करने के लिए कि हजारों साल पहले ही हम भारतीयों को गुरुत्वाकर्षण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का ज्ञान था। और इसी के साथ ही भास्कराचार्य ने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में एक ऐसी बात लिखी है जिसे हम आज लॉ ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। वो लिखते हैं, पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है। पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति से भारी पदार्थों को अपनी ओर खींचती है और आकर्षण के कारण वो जमीन पर गिरते हैं। पर जब आकाश में समान ताकत चारों ओर से लगे तो कोई कैसे गिरे? अर्थात आकाश में विविध ग्रहों को अपनी अपनी गुरुत्व शक्तियां हैं जो आपस में संतुलन बनाए रखती है, इसीलिए कोई भी ग्रह नीचे नहीं गिरता। भास्कराचार्य ने न सिर्फ लॉ ऑफ ग्रेविटी की खोज की पर उस पर एक पूरा ग्रंथ ही लिखा था। लेकिन आज हमें कितना बड़ा झूठ पढ़ना पड़ता है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज न्यूटन ने की थी। ये हमारे लिए वाकई शर्म की बात है। और सिर्फ भास्कराचार्य जी ने ही नहीं बल्कि हमारे प्राचीन वेदों में भी गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बड़ी विस्तृत चर्चा की गई है। और आर्यभट्ट जो एक प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोलशास्त्री थे, उन्होंने भी अपनी कुछ रचनाओं में इस बारे में लिखा है। ऐसे ही अगर ये कहा जाए कि विज्ञान के सारे आधारभूत आविष्कार भारत की भूमि पर हमारे विशेषज्ञ द्वारा हुए हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सबके प्रमाण उपलब्ध है जिन्हें हम आने वाले एपिसोड्स में आपके सामने लाएंगे। धन्यवाद।